सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ पिछले 72 दिनों से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर 11वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनरत सेंचुरी मिल के श्रमिकों ने समर्थन में पूर्व विधायक नवीन दुमका ने भी आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारी श्रमिकों की मांग को न्यायोचित करार देते हुए कहा कि सेंचुरी मिल के खिलाफ चल रहे आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ सबका समर्थन मिल रहा है। इसमें सेंचुरी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष डीएम सुयाल, कई ग्राम प्रधान सहित किसानों और मजदूरों का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सेंचुरी प्रबंधन को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, नहीं तो सेंचुरी मिल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर पूर्व विधायक से मामले में वार्तालाप करते हुए सकारात्मक परिणाम निकाले जाने की बात कही। मैं और मुझ जैसे श्रमिकों के, किसानों के हितकारी लोग प्रारंभ से यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं अपना। आज जैसा आपने स्वयं बताया कि 72वां दिन है, इस समर्थन को और तेज धार देने के लिए, इसको व्यापक करने के लिए, इसको भविष्य में जन आंदोलन में बदलने के लिए मैं भी आज यहाँ पर 10 बजे से 4 बजे तक धरने में हूँ, कल भी बैठूँगा। आज यहाँ पर इस संगठन के लिए, इस आंदोलन के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पर सेंचुरी पेपर मिल के बड़े नेता तेजुन के डी एन सियाल जी, उनकी पूरी टीम, उत्तर प्रदेश से श्रमिक नेता और किसान नेता आदरणीय एन डी कपिल जी, यहाँ के बहुत सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गोला खनन संघर्ष समिति के लोग, किसान नेता, कोऑपरेटिव सेक्टर के नेता, अन्य समाज के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए और इस आंदोलन को समर्थन दिया। निश्चित रूप से विषय बहुत छोटा है कि इनके मामले में 35 साल की उम्र सीमा क्यों लगा दी और किसके कहने पर लगा दी, जबकि एग्रीमेंट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है और ट्रेड यूनियन इस बात को स्वीकार कर रही कि एग्रीमेंट में ये विषय नहीं है। तो इस छोटे से विषय को हल करने के लिए लंबा समय खींच गया है।